ओह भाई, आज हमारे साथ हमदा भाई हैं। हमदा भाई को आज शो पे लाने की ना सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये थी क्योंकि हमदा भाई मुझसे नाराज़ हैं। पिछले 3 नाइट स्टे प्लान हुए जिसमें एक फ़ाइनल भी था और मैं उस वो नहीं जा सका हमदा के घर, तो हमदा मुझसे नाराज़ है, मेरा बेबी मुझसे नाराज़ है। ओह, ठीक है बेटा, तुझे ठीक है। ये तू बनाता नहीं कैसे नहीं था? नहीं तू भी तो बनाता था ना? उसको कैसे ये नहीं बनाता बना, उसके लिए क्या मैं कैमरा बंद करना। ये सैमसंग का कब क्यों था? रखा है तुमने? आईफोन एक्स होता तो भाई आईफोन एक्स का कब बनाएंगे? जो है वो इसी कोई का कब बात नहीं, इसका रख लो, कोई बात आएंगे नहीं, आ जाएगा, अभी आ जाएगा। आ जाएगा, नाजिन हजरात ये कब कोई ले हमें भी देगा, कोई जाएगा? हमें भी देगा आईफोन एक्स। तुम खुद अपने बलबूते पे लोगे यार इंशाल्लाह। अपने बलबूते पे तो गिफ्ट कर दिया था ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब, इसका नाम मेरा नाम हमजा। हमजा, मेरा शो है ना, बात कर लूँ मैं? मेरा नॉट कमिंग स्लो बोलने वाले थे ना, तो बोलने वाले थे कि नहीं? ठीक है, लेकिन गाय तो नहीं हूँ ना शर्ट पे, गाय। आप तवज्जो दे रहे हैं, गाय। तो भैया, मेरा नाम मुनीब, इसका नाम लोगों हमजा, को नॉट बताना कमिंग पड़ता है। स्लो। तो भाई, हम जो भी जो है आज का जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंट होना। लड़कियां पसंद है बताया था बस अभी। सिर्फ वही पसंद है ना, उसी में अभी तक सारे सेशन है। ठीक है, उसके अलावा तुमने कोई और सेशन बनाया भी नहीं है, सिर्फ उसी पे सेशन है। ठीक है ना, तो अब मुझे ये बताओ कि एक तो तू किस तरीके से कंटेंट जनरेट करता है? सारे तो तेरे एक्सपीरियंसेस नहीं है, ठीक है, तो और ना तू सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता है, जो भी तू सेशंस बनाता है, स्टोरीज बनाता है, तो कहाँ से ऑब्जर्व करता है सारा कंटेंट? ठीक है, कहाँ से देखता है, कहाँ से स्टोरीज तुझे मिलती हैं जिनको तू अपने सेशंस के अंदर क्रिएट करता है? दूसरा, तेरा इतना, मेरा तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि मैं इतना खुले के अंदर, मतलब पब्लिकली इस तरह के सेशन बनाऊँ, मेरे में तो यार इतना मैं बताता कॉन्फिडेंस हूँ, नहीं है। मेरा मैं तो मेरे कंटेंट ढूंढता कहाँ से तू? सबसे पहले तो मैं अपनी एक छोटी सी लेम मिसाल दे रहा हूँ। तो अभी क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है, सही है? मेरे मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी इन योर लाइफ। सही है, इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटीज़ इन योर लाइफ। ठीक है, तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि देखो भाई, सुबह की टट्टी खुल कर आनी चाहिए। सही है, ये कहने का मकसद नहीं था। कहने का मतलब ये था कि मैं इतना कंफर्टेबल हूँ अपने अपने ओन कंटेंट पे कि मुझे ये बोलने में भी डर लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी बिगेस्ट इनसिक्योरिटीज़ हो सकती थी, लेकिन मैंने ये भी बोल दिया तो लोगों ने बहुत पसंद किया। हमजा भाई, ये मैसेज आना शुरू हो गए। तो इससे पता चलता है कि भाई, पहली बात तो आप अपनी डर निकाल दो। सही है, दूसरी बात, जिसमें कंफर्ट हो, देयर इज अ वेरी थिन लेयर बिटवीन लौंडा एंड लड़का। तो लौंडा ये जो तुमने बनना एक सेंटेंस पूरा इंग्लिश में बोला, इसको थोड़ा रुक के बोलोगे तुम? है भाई देयर इज अ कैच ही नहीं वेरी, कर सका हाँ अभी हम ये। फ्लो में आए, वो याद कर रहे हैं, ये हम बोल नहीं रहे। देयर इज अ वेरी थिन लेयर बिटवीन लौंडा एंड लड़का। तो लौंडा बनना है, लड़के तो हर कोई होते हैं, ठीक है? आपको ये तो मार्केट यूं में यूं करके मेरी तरफ सही क्यों इशारा कर देता है? नहीं, अभी मेरे अंदर वो अभी अभी से अभी मैं सही तरीके से ना, वो मेरे अंदर से निकली नहीं है, फ्लो। फ्लो नहीं अच्छा मेरा पास। अच्छा तो आदत है, जिस तरह हम जलील होते थे ना, अब तुम हो रहे तुम हो। खैर, तो ये रीज़न है भाई। दूसरा कि भाई फेक नहीं होना, और तीसरा सबसे ज़्यादा कि खुश रहो, खुश रहो। दुनिया कंफ्यूज रहेगी भाई, तेरे को काहे की खुशी है? ठीक है, ये मैंने सबसे पहले नोट किया अपने बात। और दूसरी बात कि मिस्टीरियस बन के रहो, लोगों को पता ना चलने दो। जब मैं ज़्यादा चिचोरा हो रहा होता हूँ ना, तो अगले दिन मैं एविएशन की बात कहता हूँ, लोग कहते हैं काफ़ी पढ़ा लिखा बंदा है। ठीक है, जहाँ अबे जाने दो इसको, जहां पढ़ा लिखा हो रहा होता हूँ ना, वहां बात थोड़ी चोरा बन जाता, लोगों को लगता अपने में से। तो भाई दोनों ये मार्केट असल ना, असल में ना, हमदा भाई ने दोनों तरह की मार्केट घेरी है, पुल के इस पार भी, पुल के इस पार भी। हमदा भाई बीच में ब्रिज है नादा खान का। अपने को भी नहीं पता बिजनेस कैसे होता है, मगर कंटेंट तो ऐसे ही होता है। सही है, तो ऐसा सीन है। वही यही सारी बातें हैं जो हमदा की, जिसकी वजह से हमदा के इतने फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बगैर किसी, ये नहीं है कि चलो इसका दोस्त इरफान है, ठीक है, वो इसको शॉर्ट आउट दे रहा है, वो कुछ दे शॉर्ट रहा आउट देता है, है, वो हजार लोगों को शॉर्ट आउट देता है। वो लेकिन दस और पता है, वही मैंने एक चीज़ नोट किया है, मैं एक चीज़ में बताता हूँ। इरफान ने अभी अपने एक दोस्त को शॉर्ट आउट दिया था, तो उसने मुझे दिखाया कि इसको जो है ना, वो 150-200 लोगों ने फॉलो किया उस बंदे को। उसके 150 फॉलोअर्स थे जब इरफान ने शॉर्ट आउट दिया, तो उसके 240-270 समथिंग हो गए। सही है, मैं उस बंदे, तो उसके बाद इरफान ने नेक्स्ट डे मुझे शॉर्ट आउट दिया, विच इज़ नॉट अ शॉर्ट आउट। सही है, वो सिर्फ एक बात कर रहा नॉर्मल बात थी था, कि इरफान ने कहा कि ये हमजा की बात हमजा कर की रहा था। स्टोरी देखो ज़रा, इसने बाबू को क्या नाम दिया। उसमें मुझे यकीन करेगा, 900 लोगों ने फॉलो किया।
एग्जैक्टली क्योंकि उन 900 लोगों ने इसलिए इसको फॉलो किया कि इरफान के कहने की वजह से नहीं, चलो हाँ इरफान के कहने की वजह से उन्होंने जब हमजा की प्रोफाइल विजिट की, ठीक है, जब टैग किया तो उनको वहाँ पे जो कंटेंट मिला तफरी नजर आई, जो जिस तरह का वो कंटेंट चाह रहे थे, डूब गए। हाँ सही है ना, और कुछ निशाद हो गए। हाँ और कुछ नहीं, बस फ्लो में नहीं आ रहा। तो भैया सिर्फ बात ये नहीं है कि आप किसी से शॉर्ट, जो लोग अक्सर हमसे शॉर्ट आउट मांग रहे होते हैं या हम हमजा भाई मुनीब भाई इरफान भाई हमें शॉर्ट आउट दे दें, भाई शॉर्ट आउट दे दें हाँ। फिर क्या ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो तुम्हें शॉर्ट आउट दे देंगे, उसके बाद हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हें जानते हैं, और मैक्सिमम मेरे शॉर्ट आउट 25-30 लोग फॉलो करते हैं। और जो दो लोग अच्छा जो लोग 25-30 लोग देख भी लेते हैं या एक बंदा देख भी लेते हैं, वो क्या देखेंगे तुम्हारे पास? तुम या तो मैं उन लोगों को जरूर शॉर्ट आउट देता हूँ जिनका काम बहुत नेक्स्ट लेवल होता है, लेकिन फोटोग्राफी हाँ। या कोई लेकिन यार मेन चीज बताऊं क्या, मेन चीज मैं बताता हूँ क्या, मेन चीज ये है कि रिलेट करना, आप रिलेट कैसे करते हो सर? आप अगर अपना कंटेंट बना रहे हो ना, कंटेंट होता है कंटेंट होता है, दोनों एक चीज होती है, जो भी आप बना रहे हो, तू जिसमें कंफर्ट हो, जो आपकी आप जो फ्लो बना रहे हो ना, उस फ्लो में जो है वो मेन चीज ये होनी चाहिए कि भाई आप अपना जो काम है वो कहीं से कॉपी करके करो। मैं काफ़ी चीज़ें मैं अपने सेशन में तुझे रिलेट करता हूँ, काफ़ी चीज़ें कॉपी करता हूँ, लेकिन मैं उसको अपनी लड़की में ला मतलब फिट कर जब बोलता हूँ ना तो लगता नहीं है कॉपी। लड़की से मुराद इनका ये बार बार ये जो लड़की का वर्ड यूज़ करें कि ये जो दूसरों की स्टोरीज को अपनी स्टोरीज से मर्ज करते हैं ना, मतलब अपने पास कोई भी जोक हो यार, अपने पास रिलेशनशिप अपने पास एक्सपीरियंसेस, इसका मतलब है लड़की। बार बार जो लड़की का वर्ड है ना इनसे कहा हाँ। नहीं जा रहा रिलेशनशिप, हम फ्लो में बोल फ्लो में बोल रहे हैं तो रिलेशनशिप्स की बात करें। तो भैया बात यह है कि मैं भी उन लोगों को शॉर्ट आउट देता हूँ और उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जो लोग मतलब वाकई बहुत अच्छा काम करें, कोई फोटोग्राफर होता है, कोई फिल्म मेकर होता है, कोई कंटेंट क्रिएटर होता है, उनको मैं देता हूँ। लेकिन जो सिर्फ इस वजह से शॉर्ट आउट मांग रहे होते हैं कि यार हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, ठीक है, या हम मतलब कोई हम भी सेलिब्रिटी बन जाएं, तो दादा ये नहीं है, हमने किसी से आज तक नहीं मांगा। तो हमजा ने आज तक किसी हमने इरफान से नहीं बोला भैया हमें हमारा टैग कर दे, दिल से प्यार कर दे, दिल से क्या प्यार करते हैं, उसके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। ऐसी बात नहीं है, दोस्त है हमारे यार, तुम क्या बातें कर रहे हो? हाँ यार आई लव यू, जाओ कैमरा मैन कर दो, मैं कुछ और बोल दूँ, मेरे बोलते भी कुछ और निकल। तो भैया एक सोशल मीडिया, आखिरी बात, सोशल मीडिया भैया एक रेस है, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक रेस है, तेज नहीं भरोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा, और जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना इस मीडियम के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी काम करो, बलात्कार पे बलात्कार होता रहेगा बस। अब हम इतनी भावनाओं के अंदर यार तू भाई।